मॉर्निंग गाइज, ओह लाइट आ रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ श्वेता और आप सब लोग कैसे हैं? और आज है सैटरडे। मैं हमेशा डे भूली, फिर से सैटरडे आ गया। मैं हमेशा डे भूल जाती हूँ कौन सा सैटरडे है, मुझे सोचना पड़ता है कौन सा डे है। तो आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं 11 और कुल्लू को मैंने बना के दिया था अभी जूस, वो जूस पी रही थी। वैसे अगर फ्रूट्स मतलब उसको कोई भी फ्रूट्स हो अगर दे खाने के लिए काट के दूंगी तो मुझे खाने में दिक्कत होगी। मतलब एक पीस भी उसको मतलब 2 से 3 घंटा लगेगा खाने में, लेकिन जूस अगर बना के दूँ तो अगर जूस टेस्टी बना हो तो 5 मिनट भी नहीं लगते। जैसे अभी मैंने क्या बनाया था, कौन सा जूस मामा? ऑरेंज जूस बनाया था और मेरी बच्ची ने 5 मिनट हुए नहीं खत्म कर पूरा, अपने पूरा फूल दिया था ना, इतना भी नहीं फूल दिया, थोड़ी सी, थोड़ा सा कम दिया था। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरा पी लिया मेरा बच्चों और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है ओके। तो अभी बज रहे हैं 10:30 मॉर्निंग के, 10:30 और 10 नहीं 10 10 मतलब क्या एक्चुअली क्या होता है ना, मतलब तीनों लैंग्वेज एक साथ बोलते बोलते ना, मतलब कब बंगाली बोल रही हूँ कब हिंदी बोल रही हूँ और कब क्या बोल रही हूँ पता भी नहीं चलता। इसीलिए मेरी मतलब वीडियो में किसी ने नोटिस किया होगा कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन मैं बंगाली कुछ वर्ड्स बंगाली भी बोल देती हूँ और कुछ हिंदी भी मतलब मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए तो चलिए फिर अभी बज रहे हैं 10:30, मैं लंच बनाऊंगी थोड़ी देर बाद। अभी मैं कुल्लू को दी थी जूस और कुल्लू बैठ के टीवी देख रही थी और ड्राइंग कर रही थी, जो कि है आज ड्राइंग क्लास है इवनिंग को। तो अभी थोड़ा सा ड्राइंग प्रैक्टिस कर रही थी कुल्लू। हो गया आपका इवनिंग को ड्राइंग क्लास जाना है? नहीं सॉरी, 4 बजे जाना है, वही तो 4 बजे के बाद इवनिंग ही हो जाता है ना। 6 बजे आती हूँ मैं। और कल जैसे कल पूरा दिन क्या हुआ था वेदर ना, मतलब धूप नहीं था, बारिश ही मतलब सारा दिन धूप नहीं था, लेकिन गर्मी थोड़ी सी भी कम नहीं हुई थी। तो थोड़ी सी भी गर्मी कम नहीं हुई थी, फिर शाम के टाइम हम लोग मार्केट निकले कि नहीं, मतलब इतनी तेज बारिश होने लगी, मतलब उधर पता भी नहीं चला कि बारिश होने वाली है। उधर जाके हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग किए थे कि नहीं, मतलब तूफान सा आ गया। फिर मार्केटिंग क्या घर आने के लिए सोचे हम लोग, मतलब कितनी जल्दी घर आ जाएंगे अच्छा रहेगा। तो मार्केटिंग किया बंद, फिर आगे घर, वो भी भीग भीग के, इतनी जोर बारिश, मुझे बारिश के टाइम मतलब बिजली कड़क रही थी, फिर तेज हवा चल रही थी और तेज बारिश की। तो फिर सामान वगैरह कुछ लेना मतलब उतना कुछ हुआ नहीं, थोड़े से ही लिए थे, क्योंकि एम बाजार से निकलने के बाद हमें दूसरे शॉप में जाना था, जो शॉप की जा नहीं पाए बारिश की वजह से। तो चलिए थोड़ा सा ही कुछ लेके आई हूँ मैं, ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई हूँ, कल जाएंगे हम, देखती हूँ कल परसों। सैटरडे संडे को जाने का मन नहीं करता, फिर भी देखती हूँ क्या होता है। अब एक बार जाओ मार्केटिंग का मूड लेके, वो वाला मूड खराब हो जाए ना, फिर मन ही नहीं करता, पता नहीं फिर मूड कब बनेगा मार्केट करने का। तो चलिए फिर कोई बात नहीं, फिर जितनी सामान लेके आई थी मैं ऐसे की वैसे रख दी थी, रात को जल्दी सो गई थी मैं, जल्दी सो गई थी नहीं, थक गई थी तो सो गई थी, दिखा नहीं पाई। तो अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, मतलब मैं लेके आ क्या क्या आई। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ, और जैसे बैग लेके आई थी वैसे ही बैग वैसे ही पड़ा है। ये देखिए, और मैं अपने लिए ये एक पैंट लेके आई, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक्चुअली बहुत सारे कलर्स में मिल रहे थे, ब्लैक व्हाइट, अच्छा नहीं लगा वो सब, अच्छा नहीं लगा मुझे, ये वाला कलर ज्यादा अच्छा लगा, तो ये वाला मैं लेके आई। और इसका प्राइस है 295, अच्छा है ना? हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पहनने के बाद और भी अच्छा लगेगा। और ये है मेरा ड्रेस, और ये है कुल्लू के लिए एक ड्रेस लेके आई मैं, ये देखिए ये कुल्लू के लिए एक ड्रेस है, जो कि इस तरह का है, इस तरह का देखिए चेन है, बहुत अच्छा है।
मुझे तो बहुत अच्छे लगे, खास करके ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाला कलर। और ये है स्कूल, और ये कुल्लू के लिए सिंगल पीस स्कर्ट लेके आई एक, मतलब आपके पास दौड़ी है ना। हाँ। तो ये कोई भी टॉप्स के साथ मैच करेगा, तो ये मैं सिंगल पीस में ही उसके लिए स्कर्ट लेके आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाफ शर्ट, और ये एक टी शर्ट ऐसे ही डेली यूज के लिए लेके आई कुल्लू के लिए, लेकिन अच्छा लग रहा है, पता नहीं ये स्कर्ट के साथ देखूंगी अगर अच्छा लगेगा तो इसी के साथ उसको पहनूंगी। ये है मिस्टर डिगल के लिए है, मतलब मेरे पापा के लिए। ये एकदम फुल टी शर्ट है, हाथ ऐसे है, और ये वाले होते हैं ना मुझे अच्छे लगते हैं हाथ में, तो ये वाला फुल टी शर्ट है ऐसा, ये राउंड नेक में है, देखिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा, चाहे तो मैं भी पहन सकती हूँ। और ये कितना में लिया है, ये एक्चुअली ये भी बहुत, ये मैं था नहीं है इसका, ये नहीं है एक्चुअली। हाँ, इसका प्राइस कार्ड ना लिखा नहीं था, निकल गया था, तो दूसरी टी शर्ट को देख के इसने किया। ये 300 ऐसे कुछ प्राइस था इसका, एंड दिस इज मतलब 300 मतलब 300 नहीं 290 to 295 ऐसे कुछ था। और ये एक हाफ में लिया, ये घर के लिए, बस घर पे डेली यूज करने के लिए, ये उल्टा कर दिया है, इसका प्राइस भी 125। तो, तो ये वाला टी शर्ट मैंने ऐसे डेली यूज के लिए लिया, उनके लिए लिया मेरी चॉइस से। और ये मैंने दो प्लेट्स लिए हैं, छोटे 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 प्लेट्स है एक्चुअली। ये वाले प्लेट्स ना मुझे बहुत अच्छे लगे, ये एक्चुअली फ्रूट्स खाने के लिए, नहीं तो स्नैक्स खाने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये है पर पीस 30 रुपीस, और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, बहुत मोटे भी हैं एक्चुअली ये, क्योंकि मैंने इस ब्रांड की और एक प्लेट मैंने पहले ली थी, वो भी येलो कलर की थी लेकिन स्क्वायर की, आप लोग शायद देखे होंगे मेरी वीडियोज़ में, वो एक ही प्लेट मतलब अच्छी पड़ेगी कि नहीं पता नहीं था पहले, तो अच्छी होगी कि नहीं ये सोच के मैंने एक ही प्लेट ली थी, लेकिन मुझे देखा मैंने बहुत अच्छा लगा। और इस प्लेट्स के ना क्या होता है, मतलब ये जो सही सारे जो प्लेट्स होते हैं, मतलब कलर्स कैसे आते हैं, वाइब्रेंट्स कलर, मतलब जैसे ये ग्रीन है, ये येलो है, और एक कलर है ऑरेंज था और एक रेड था, तो ऑरेंज और रेड वाला जो था मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन पहले मैंने जो घर पे लिया था वो भी येलो का ही लिया था, तो मुझे अच्छा लगा। और ये भी येलो ग्रीन एंड तो थोड़ा थोड़ा सेम, और ग्रीन मतलब जैसे नेचर का कलर होता है ना ग्रीन, तो ग्रीन मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब सारे मेरे घर पे भी देखेंगे आप, कुशन में भी थोड़ा सा ग्रीन आएगा, बेडशीट में भी ग्रीन आएगा, मतलब ब्लू ग्रीन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ब्लू मतलब सी का कलर आएगा, तो सी का कलर तो ब्लू ही है, मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, ये हल्का हो या डार्क हो, ब्लू ग्रीन इस टाइप के कलर, पिंक इस टाइप के कलर मुझे ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं घर पे, आप नोटिस कर सकते हैं, मैं ज़्यादातर कुशन हो या बेडशीट हो या पर्दे हो, ग्रीन ब्लू पिंक इसी में ही लेती हूँ, और कुछ ज़्यादा ये नहीं लेती। तो और ये ग्रीन था और येलो था, मतलब ऑरेंज और रेड से तो ये बेस्ट था, इसलिए मैंने ये ले लिया। और कुछ रखेंगे ना तो कलरफुल जैसे मतलब अट्रैक्टिव करेगा आँखों को, तो मैंने ये वाला दो अच्छा ले लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये दो बॉल्स नहीं है, ये प्लेट्स हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मोटे हैं ये, इतनी जल्दी से टूटेंगे भी नहीं, बहुत अच्छे हैं, मैंने यूज़ किया था इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को भी अगर कहीं पे मिल जाए तो आप लोग भी इस टाइप का मतलब ले सकते हैं। और बहुत वैरायटी में भी था, ये तो वीडियो किए नहीं तब, उस वक्त मतलब उस जगह पे बहुत भीड़ था, मतलब ये सारे प्लेट्स लेने के लिए लोग मतलब बहुत भीड़ था उधर, तो वीडियो नहीं कर पाए, नहीं तो मैं दिखाती आपको, मतलब इस ये ब्रांड के जो प्लेट्स है कितने डिज़ाइन के हैं, मतलब मैंगो वाले शेप में प्लेट्स हैं, राउंड वाले शेप में है, बोल वाले शेप में है, फिर स्क्वायर वाले में है, फिर वो एक क्या होता है बहुत अच्छा वाला डिज़ाइन का था, स्नैक्स प्लेट होता है जिसमें चटनी वाला, बहुत अच्छा था, मतलब बोल नहीं सकती, ये तो वीडियो किए भी नहीं तो दिखा देती मैं, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के थे, लेकिन
मुझे तो यही लेना था तो मैंने यही ले लिया। लेने का तो वैसे भी बहुत सारा मन करेगा, लेकिन एक्चुअली कोई कोई होता है ना जैसे कुछ भी लेते हैं तो सेट से लेते हैं, लेकिन मुझे सेट से लेना पसंद नहीं है, क्योंकि आज मैं कोई चीज़ अगर अच्छा लगा तो वो मैं सेट से सपोज ले भी लूँ, फिर एक हफ्ते देखती हूँ मार्केट जाके, फिर और अच्छे वाले डिज़ाइन वाला वो डब्बा हो या बाउल हो या प्लेट हो या कुछ भी हो, उससे भी अच्छा डिज़ाइन कहा जाता है, तो वो मुझे लेने का मन करता है, तो फिर मैं पहले जो सेट लेके आई थी उसका तो बेकार हो जाएगा, इसीलिए मैं कभी भी कोई भी चीज़ सेट से नहीं लेती। दो या तीन मतलब मेरे घर पे जैसे घर पे दाल चावल वगैरह भी हो, जैसे डिब्बे में हो, मसाले वगैरह डिब्बे में भी हो ना, वो डिब्बे भी मैं कभी भी सेट में नहीं रखती। हर कोई मैं देखती हूँ, हर कोई सेट से लगता है, सेट से मतलब सुंदर भी लगता है, लेकिन सुंदर लगते हैं ठीक है अच्छी बात है, लेकिन मुझे भी सुंदर लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ, दूसरे दिन मैं सेट लेके आ जाऊँगी, दूसरे दिन कुछ दूसरा सेट अच्छा लग जाएगा, तो मैं मतलब क्यों लिया, मैंने ये भी लेना है मुझे, तो वो ऐसे करते करते ना मतलब हर तरीके डब्बे मेरे पास दो दो करके, प्लेट्स भी मैं जब भी ले जाती हूँ मार्केट दो या तीन लेती हूँ, जिस भी डिज़ाइन हो मुझे आज लेके आ जाऊँगी दो प्लेट, फिर अगले दिन जाऊंगी फिर और दो अच्छे लगे तो उससे बेहतर वाला डिज़ाइन अच्छा लगा तो वो दो ले आऊँगी, इसीलिए मैं कभी भी कोई भी चीज़ सेट से नहीं लेती। और चलिए फिर, और यही था मेरा छोटा सा शॉपिंग, छोटा सा एकदम 2 मिनट वाला शॉपिंग, लेकिन इतने में खरीदने के लिए 2 घंटे लग गए मुझे उधर। चलिए चुन चुन के देख देख के, और कोई भी चीज़ ना मैं मार्केट जब जाती हूँ ना, तो गाइस अभी खाना बना लेते हैं, लंच बना लेते हैं, तो उसके लिए मैंने दाल चावल तो बना रखी है, और यहाँ पे मैंने लिया है आलू और बैंगन, और आलू बैंगन की सब्जी बनाऊंगी जिसमें मैंने थोड़ा सा बड़ी ऐड करूंगी, ये उड़द दाल की बड़ी है तो इसको ऐड करके थोड़े से कम मसाले में। इसमें मैं डालूंगी एक तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा, और थोड़े से सरसों के दाने, ये होने के बाद फिर डालेंगे ये कटे हुए प्याज, अब प्याज को फ्राई करना है, थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट, अब इसे फिर से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, भून चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये कटे हुए टमाटर, और ये टमाटर ऐड करने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, बस इसे मिक्स करके, और ये देखिए ये मसाला भुन गया है, मसाले से तेल छूट गया है, अब मैं इसमें मैंने यहाँ पे रखा था कटे हुए आलू, ये आलू ऐड कर दूंगी, और मैंने तब करी पत्ता भूल गई थी तो अभी ऐड कर दूंगी, तो ये आलू ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करके फिर से कवर लगा देना है, thank you.
लंच बन के रेडी हो गया है, चावल दाल और ये आलू बैंगन की मसाला वाली सब्जी, और मैंने लिया है यहाँ पे एक पापड़। देखिए गाइस, कुल्लू दूध पी रही है ना मम्मा, दूध अच्छा लग रहा है। किसने बोला था आपको वीडियो करने के लिए? बंद कर दूं? दूध पीने से कुल्लू का माथा एकदम गर्म हो जाता है, दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं करता ना सोना। बच्चा इधर देखो तो, बाबा बाबा कितना गुस्सा, बाप रे, मैं क्या बकबक करने लगी मम्मा। हाँ वीडियो नहीं हो रहा तो बकबक करती जा रही, ये भी नहीं पता ही नहीं चला वीडियो मतलब ऑफ हो गया है। रोज मम्मी का ऐसा ही कुछ चलता है। हाँ एक्चुअली ज्यादातर ऐसे ही होता है, मुझे पता नहीं चलता वीडियो ऑन है कि ऑफ है, मैं बकबक करती जा रही हूँ, फिर लास्ट को देख रही हूँ कि वीडियो ऑन ही नहीं हुआ। वीडियो तो देखा करो ना पहले, कोई रहा है। अच्छा इस बार से अभी पक्का आगे देखूंगी ये वाला वीडियो ऑन है कि नहीं है, ठीक है। हाँ। और कुल्लू ने अभी दूध फिनिश कर लिया है, अच्छा लगा मामा दूध? हाँ। अच्छा लगा? मुझे बोतल वाला दूध अच्छा लगता, बोतल वाला। और आज सैटरडे है जैसे, तो कुल्लू का आर्ट क्लास था, तो अभी कुल्लू गई थी ड्राइंग ट्यूशन, अभी जस्ट अभी आई है ना मामा। और ट्यूशन अच्छे से ड्राइंग किया? हाँ। क्या ड्राइंग किया आज ड्राइंग का बिना बोले टेस्ट ले लिए है ना? बोले थे पर मैं भूल गई। मैं और मेरी दोस्त प्रियंका दोनों भूल गए, तो चलो कोई बात नहीं, अच्छे से किया तो आपने। दिखा, बाद में देखेंगे। नो, बाद में देख लेंगे, कोई अच्छे से किया है तो वेरी गुड मिला है तो नहीं, एक्सीलेंट एक्सीलेंट मिला मेरा बच्चा। चलिए और कुल्लू आ गई अभी ट्यूशन से, अब थोड़ी देर खेलेगी उसके बाद पढ़ाई करेंगे। यस ठीक है। हाँ तो बोलो टाटा, थोड़ी देर बाद मिलेंगे। मक्खन की आवाज कहेगी टाटा। और अभी बज रहे हैं रात के 8:30, तो मुझे डिनर बनाना था, तो उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ अभी। बैंगन जला रही थी क्योंकि आज डिनर में मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ बैंगन का भरता बनाना है, क्योंकि लंच में मैंने जो बनाया था वो सब्जी कुछ बच गया है, तो इसीलिए मुझे रात को ज़्यादा कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ बैंगन का भरता और रोटी बनाना है बस, तो इसीलिए मैंने बैंगन का भरता बना रही हूँ। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, और आपको मेरा वीडियो आज का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।